वीडियो बनाने चालू। अरे तो क्या हमें बेटा, हम जो पूरे 24 घंटे काम कर रहे हैं, जो बना रहे उनको बुलाओ ना। इनमें यार देखो, जितने भी लोग खड़े हैं सबके नाम नोट कर लो, जिसको काम करना है वो सब अपना नॉर्मल काम करो, वो सब पेमेंट पे रहेंगे, जिसको नहीं करना है वो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 100 लोग जो तुमने लिया और जो भी मिल जाए आदमी, ठीक है, ऊपर से आया जो आदमी मिल जाए, इनको काम करना है करें, नहीं करना घर जा सकते हैं। जिसको काम करना है वो आके काम करे, जो भी सैलरी वैलरी हो तो मिली रही हो तो मिलती रहेगी। ठीक है, इनकी जो है ये सब इनके तरफ तैयार होगी, इनसे कोई लेना देना नहीं है। इसमें कुछ भी सुनाते रहें, ठीक है, ये फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, ये जाएंगे। यहाँ पे जितने आदमी काम कर रहे हैं उन सबको कोई लेना देना नहीं है। आप लोग काम करो, काम करते रहो, उनकी लिस्ट बनाओ आज और सबको लिस्ट बना के अंदर करो, कौन क्या काम कर रहा है वो काम करता रहो। इसको नहीं आना, इनको इनकी सुनना है, इनके साथ जाना है, बिल्कुल जाएं। हम लोग ढूंढ लेंगे 100 लोग शहर में, अपने 200 लोग हैं, 500 लोग हैं, 1000 लोग खड़े हो जाएंगे, वॉलंटियर्स खड़े हो जाएंगे, सेवा भारती के 100 लोग खड़े कर लो। इनको रहना है तो रहें, आधार कार्ड का वो नंबर साइन करो, ये साइन करो, जो भी है इनका वो सब लिखवा लो, और ये आने के लिए तैयार है, ड्यूटी करने के लिए तैयार है। जो नाम लिखवाए ठीक है, वरना उसकी छुट्टी तैयार होगी, कल वल जो भी होगा बाकी करता है। क्लियर है सबको? हम लोगों से कोई लेना देना नहीं है सर, हमारी भी एक प्रॉब्लम है सर। अरे चुप रहो यार, हमारी प्रॉब्लम है ना, नेतागिरी दिखाई दे रही तुमको? नेतागिरी से परिजन है कि सीधे गाली बकते सर, परिजन आए किसके कहने पे सर? आए किसके कहने पे हो तुम? कैसे आ गए तुम? अभी भी सर मर्चेंट में पब्लिक गालियां बकते खड़ी है सर। सुनो, तू सुन ले, तू बहुत नेतागिरी दिखा रहा है, ठीक है ना? ये तो जा रहा है जेल के अंदर, तू कौन है बे? सुपरवाइजर सर। तू सुपरवाइजर है? क्या सुपरवाइज कर रहा था? कहां तेरे 300 लोग रहने से भी खड़े और बुला रहे हैं, सब आ रहे हैं सर, आप बेफिक्र, सभी आएंगे यहाँ पे। तो क्या प्रॉब्लम है खड़े होने में, काम कर रहे हैं? मुझे बताइए ना प्रॉब्लम क्या है, ये तो बताइए आप मुझे। प्रॉब्लम ये है कि भैया जब तुम्हारे नाम मांग रहे तो लोग ही नहीं मिल रहे हैं। आप सब है सर, आप मुझे बताइए शिफ्टिंग का काम, आप मुझे बताइए मैं बताऊंगा तेरे को। आप ये बताइए, बताने के लिए खड़ा है कलेक्टर, तेरे को बताने के लिए खड़ा है, मालूम नहीं? चुप, कोई बात थोड़ी होती सर। सुन, कहाँ का है तू रहने वाला? यहीं का है। इसकी FIR करो, सबके नाम नोट करो। तू चल निकल, इसको बाहर करो, चल इधर आ, इधर आ, खड़े हो, तू चल इधर, चल इधर। इसकी FIR करानी है, तेरे को करानी, चल तू इधर आ, अरे खड़े हो उधर, खड़े हो उधर। इसको काम करना है, किसको FIR करानी है बता दो। तू तो यार पत्रकार है, तू कहाँ खड़ा है? तू कहाँ से आया? मैं यहीं आया सर। कैसे आयो? निकलो करके उपायुक्त पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही, तब मैं उसी वक्त पहुंचा था उस समय, और मैंने इनको ये समझाया था कि भाई जो ये चीज़ कर रहे हैं उसमें इन पर वैधानिक कार्रवाइयाँ भी हो सकती हैं, और ये इन पर जो मरीज हैं उनकी सेवा करना ही इनका मुख्य मकसद है। इनके द्वारा 30-40 जो डेली वेजर होते हैं उनको इकट्ठा करके एक उपायुक्त पर दबाव बनाया जाता है। ऐसे 2-3 ही लोग थे जिनकी ये भी शिकायत प्राप्त हुई थी कि वो शराब और सिगरेट पी के वहीं कॉलेज के कैंपस में और कई बार घूमते हुए पाए जाते थे, और वहीं नीचे हॉस्पिटल में बैठ के ही ये सब किया करते थे। तो उन लोगों को भी समझाने की आवश्यकता थी कि इस समय प्रशासन ये नहीं चाहता था कि किसी पे वैधानिक कार्रवाई हो, किसी पे किसी को नुकसान पहुंचे, जो जबकि उनको लोगों की सेवा करना जिसके लिए उनको सरकार ने अनुबंधित किया है, उनको उसके मानदेय भी मिल रहा है, वो चीज़ करना आवश्यक है। और ऐसा कोई ऑडियो में मुझे नहीं लगता कि कोई किसी से कोई गाली गलौज भी नहीं किया गया, ना कोई नियमों का उल्लंघन किया गया है। और जहाँ तक डांटने की बात है तो आपदा के समय लोगों की जान बचाना सबसे सर्वोपरि है, और उसके लिए यदि किसी से ऊंची आवाज़ में बात की गई है तो उसमें कोई आपत्ति मुझे नहीं लगता।